मध्य प्रदेश के विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा घायल हो गए हैं। सिर में नारियल लगने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और इसको लेकर प्रदीप मिश्रा ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से ठीक होने के बाद कथा करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा जी नीमच में शिव महापुराण कथा करने वाले थे, हालांकि चोटिल होने के बाद कथा रद्द कर दी गई और प्रदीप मिश्रा जी का इलाज 3 दिन तक इंदौर के निजी अस्पताल में चला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कब हुई थी घटना। प्रिय भक्तों, 29 मार्च को सीहोर के आष्टा में पंडित प्रदीप मिश्रा महादेव की होली खेलने भक्तों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान किसी अनुयायी ने भीड़ में से नारियल फेंका जो सीधा पंडित प्रदीप मिश्रा के सिर पर लग गया। इससे उन्हें चक्कर आ गया। परिवार के डॉक्टर से सलाह लेने के बाद उन्हें इंदौर जाना पड़ा। सिटी केयर अस्पताल में उनका 3 दिन तक इलाज चला और डॉक्टर द्वारा उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई है। तो इस पर क्या बोले प्रदीप मिश्रा जी? सोमवार को मनासा में अपने सभी भक्तों से रूबरू होने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, 29 मार्च को आष्टा में आयोजित होली समारोह में नारियल की सिर में चोट लग गई जिससे मेरे ब्रेन में सूजन आ गई है। डॉक्टरों ने कथा करने से मना किया है। अस्पताल से छुट्टी लेकर मेन यहां पहुंचा हूं। मैं महादेव के सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूं। स्वास्थ्य सही नहीं होने से कथा नहीं हो सकेगी। अगर स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो आगामी कथा होगी, अन्यथा वे भी निरस्त हो जाएगी। आपको बता दें कि मनासा में अगले वर्ष इसी तारीख पर भव्य कथा का आयोजन किया जाएगा जिसमें कथा का पूरा खर्चा गुरुजी की तरफ किया जाएगा। और कथा ना कर पाने के लिए आप सभी भक्तों से दिल से क्षमा मांगते, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप मेरे महादेव से निरंतर जुड़े रहे और उनका भजन नाम जप करते रहे। तो अब आप सुनिए कि खुद प्रदीप मिश्रा जी ने लाइव वीडियो में इसके बारे में क्या कहा है। पीछे महादेव की होली सीहोर की हुई, महादेव की होली आष्टा की हुई। आष्टा की महादेव की होली 29 तारीख को हुई जिसमें गुलाल की जगह कोई नारियल फेंका गया जिसके कारणवश ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। तो जो गुम्मा, जैसे कि चोट लगती है तो गुम्मा ऊपर उठता है, तो अंदर की ओर चोट लगने के कारण अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में। तो डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते और लगातार दवाइयों पर अभी थोड़ा सा रहना पड़ेगा। तो जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते तब तक कथा हम कर नहीं सकते। आप हमारी जीजी हो और आप हमारे जीजा हो। एक भाई के दर्द को आप लोग जानते हो। आप सब यहाँ पहुँचे, आप लोगों को कष्ट हुआ और केवल हमारे वचन को निभाना था, इसलिए हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर मैं आज आप लोगों के बीच में आया। थोड़ा कष्ट आपको हुआ होगा कि आप लोग अपना अपना खर्चा कर यहाँ तक पहुँचे होंगे, पर विश्वास रखिएगा हम देवड़ा परिवार को ये वचन देकर जाते हैं और मनासा वालों को, ये कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। अगले वर्ष विटले सेवा समिति इस कथा को करने के लिए इन्हीं यजमान के पद पर हम आएंगे। आप लोगों से क्षमा मांगने के लिए हम यहाँ आए। अगर हमको थोड़ा बहुत भी आराम अगर लगता है तो हम आगे की कथाएं करेंगे, नहीं तो जो कथाएं आगे भी बिलासपुर, आले कोसा, छत्तीसगढ़, ये भी कथाएं कैंसिल हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। आप सभी भक्त भगवान के दुआ कीजिए, विनती कीजिए कि हमारे प्यारे गुरुदेव जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हे महादेव, मेरे गुरुदेव को जल्दी ठीक कर दो। हे महाकाल, हे गौरी शंकर, हे भोलेनाथ, कृपा करो गुरुदेव को जल्दी स्वस्थ। आप भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।